हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और बस सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 9:45 और आज हम दोनों का वैक्सीन डे है, और मेरा और धीरेज जी दोनों जन का। वैसे तो हमने सोचा था कि अलग अलग वैक्सीन मतलब डे हम अलग अलग चूज़ करेंगे, बट कुछ कर नहीं सकते, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब एक साथ ही लगवा के ख़त्म करते हैं। तो मेरा आफ्टरनून के बाद है एंड धीरेज का भी मॉर्निंग में ही है। तो ये धीरेज जी बैठे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकल गए और लंच भी उठ के। व्हाट आर यू ईटिंग? ब्रेड में घुसा दिया गया। ब्रेड में घुसा दिया गया? रिदांश, आप गंदा कर दिया। क्या बेड में गंदा कर दिया रिदांश ने? कल तो बहुत बेड गंदा कर दिया था, सब डर्टी कर दिया था, गंदा। तो बस देखते हैं, मैं शूट करती हूँ, चलिए आपसे मिलती हूँ। अभी तो रिदान छूट गए हैं और मेरा भी काम हो गया है। क्या गिरा दिया सोना? लिजार्ड, छिपली, लिजार्ड, व्हाट इज दैट? दैट्स फ्लाई। अच्छा, वेयर इज बटरफ्लाई रिदांश? दैट इज रेप्टाइल। आप पहले मम्मा को बताओ वो कहाँ है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ओके। एंड वेयर इज कॉकरोच? कहाँ है? वेरी गुड, कॉकरोच। रिदांश, फर्स्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ, क्लैप करो अपने लिए। कहाँ है लिजार्ड? छिपली लिजार्ड है, वेरी गुड। तो बस गाइस, दोपहर के बज रहे हैं अभी 1 और मुझे अब मेरा वैक्सीनेशन टाइम आ गया है, मतलब अराउंड मुझे 4 PM के पहले ही लगवाना है। तो मैंने सोचा रिदांश को सुला दूँ। रिदांश वैसे भी 1-1.5 के बीच में सो ही जाता, मैक्सिमम 2 तक वो सो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको थोड़ी देर ये रेस्ट करेगा, मैं इसको इसकी बुआ के घर ड्रॉप करूँगी, उनके पास रहेगा, खेलेगा, तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी और रेस्ट भी कर लेगा। तो ये होगा कि अगर शाम को भी वो गलत टाइम नहीं सोएगा, क्योंकि यार एक होता है ना कि अब फ्लो बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है कि इस टाइम बच्चा सो रहा है तो रात तक चलो ठीक है सो जाएगा, नहीं तो अगर दोपहर में नहीं सोया तो खेलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो थक जाएगा 5-6 बजे, फिर वो 6 बजे सोएगा तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटा सोता है तो 8 बजे, तो फिर वो रात को कब सोएगा। तो यही मुझे लगा कि चलो मैं उसको सुला देती हूँ पहले, और फिर मैं अब तब भी मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह से यार काम कर करके हो तो जाते ही सुबह का उठेगा। तो ये सो रहा है हमारा शैतान, अभी उठेगा और मैं फिर वैक्सीन लगवाने के लिए रेडी होंगी और ड्रॉप करनी है इसको उसकी बुआ के पास। और मिस्टर वाजपेयी आ गए हैं, उनका भी वैक्सीन हो चुका है। कहाँ जा रहे हो आप? धूप तो है, आप जा कहाँ रहे हो? बुआ के घर जा रहे हो? अच्छा, दोपहर का टाइम, रिदांश सो के उठ गया है, अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, पहले रिदांश को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद सीधे मेरी वैक्सीन के लिए हम लोग चलेंगे। और बहुत ही ज़्यादा धूप है और इतने दिनों बाद मैं कहीं दोपहर को निकली तो भाई देख के लग रहा है यार कितनी ज़्यादा धूप है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का, क्या है बाहर, बहुत ही ज्यादा धूप है। धूप है ना बहुत ज्यादा। तो बस गाइस, रिदांश ऊपर गया अपनी बुआ के यहाँ, उनको ड्रॉप करने गए हैं उसके पापा, और बस उसके बाद हम लोग जाएंगे वैक्सीन लगवाने। तो यार मेरे ना बड़ा पेट में ना ऐसे से हो रहा है कि कहते हैं ना नर्वसनेस की वजह से होता है, तो यार मुझे ना वो वैक्सीन
ये सब तो बहुत ज्यादा डर लगता है, हालांकि होता कुछ नहीं है बट स्टिल पता नहीं क्यों बहुत ही डर लगता है। तो मेरे ना अभी पेट में ना ऐसे ही हो रहा है, तो मैं वही याद कर रही थी यार, जब भी मुझे इंजेक्शन कभी लगा होगा तो ऐसे ही मैं करती थी हर बार। तो बस यार, वैसे तो वैक्सीन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जो लोग मैं सोच रहे नहीं लगवाएंगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, लगवा लो। जिन्होंने लगवा लिया बहुत ही अच्छी बात है। हमें स्लॉट्स थोड़े लेट मिले, स्लॉट्स मिल नहीं रहे थे, तो बस अभी मिल गया है। और आज चलिए, आई कीप यू अपडेटिंग, ओके। रजिस्ट्रेशन का बेसिक ये उन्होंने एक छोटा सा एक स्लिप दिए जिसमें लिखा है कि फॉर डोज और डेट लिखी है, नथिंग एल्स। और मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने फाइनली। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है यार, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ आप देख सकते हो तो मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख रही हूँ, तो दिवेश बाहर वेट कर रहे हैं और मैं आई हूँ वैक्सीन लगवाने वाली दिखा रही हूँ। बैठी हूँ ना चेयर पे, यही लगाई मेरा वैक्सीन। चले मिलते हैं। तो बस मैं वापस जा रही हूँ और मैं बैठी नहीं बहुत ज़्यादा, बोला भी उन्होंने नहीं, वो तो कुछ लोग बैठे थे तो मैंने सोचा चलो। उन्होंने हालांकि कुछ नहीं बोला मेरे को कि आपको बैठना है या समथिंग। अच्छा हाँ, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, जब मैं एंट्री कर रही थी ना हॉस्पिटल गेट पे, तो जब गार्ड भैया उन्होंने मेरे से पूछा आप 18 प्लस है ना, तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि वो 18 प्लस पूछ रहे थे जो भैया खड़े हैं ना, ये अब मुझे समझ में नहीं है 18 प्लस इन्होंने क्यों बोला। तो मुझे 18 से 44 की कैटेगरी में कर रहे थे, क्यों सोच रहे हैं ऐसा, तो नहीं बहुत ऊपर और एजेड हैं। तो चलिए मुझसे बात सही गई हूँ। मैं आपको बताऊँ, धीरेज वाजपेयी ने मुझे पूरा सैनिटाइजर से नहला दिया है। अच्छा जो बॉयज होंगे ना घर में उनको डिओडोरेंट लगाते हो कभी देखा है? अरे यार बस हो गया, मैंने बोला मुझे सैनिटाइज करा दो, खुद भी ना आ रहा हूं। तो हाँ, अब खुद भी ना आ रहे हैं, बोल रहे कि तुम तो, मेरा तो नॉर्मल स्कूल में लगा था, तुम्हारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा था, तो हो सकता है कि तुम ही कुछ गड़बड़ ना कर दो। तो बस अब ये अपने भी कर रहे हैं, गजब यार गजब यार, सेफ्टी तो। अच्छा तो घर में जो बॉयज होते हैं ना वो डिओडोरेंट लगाते हैं, तो उनके पीछे अगर वो बॉयज लगाते हैं ना, अगर आप उनके पीछे भी खड़े हो जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको लग जाएगा। मेरा भाई है, तो जब वो पहले डीओ लगाता था तो उसके नहाते हैं बेसिकली बॉयज। वो धीरे जी खुद ही कह रहे हैं, धीरे जी आप भी ऐसा करते होगे ना वैसे तो? बहुत बहुत एक्टिव। ये फर्स्ट डोज कंप्लीटेड, फर्स्ट डोज लगा चुके हैं एंड ही इज फीलिंग परफेक्टली फाइन। और मेरा देखते हैं क्या है, हालांकि उन्होंने मुझे बोला है कि फीवर आने पे आप डोलो या फिर वो खा सकते हो पैरासिटामोल। तो बस मैं सोच रही हूँ पैरासिटामोल शाम को ले ही लूँगी, बिकॉज यार रिदांश को भी देखना पड़ता तो फॉर अ सेफ्टी पर्पस। दिनेश जी ओके, चलो आप ड्राइव कर लो। तो बस जा रहे रिदांश को पिक करेंगे और घर चलेंगे। तो बस गाइज आ गए हैं हम लोग और अभी बज रहे हैं 4:15 और बस कपड़े वगैरह सब चेंज हो गए हैं और दिनेश भी रेडी हो गए हैं, आई मीन चेंज कर लिया उन्होंने। और अब मैं सेक रही हूँ ब्रेड एंड बटर और चाय बना रही हूँ। और अभी हम रिदांश को लेके नहीं आए, हमने सोचा कि हम बाहर से आए हैं दोनों लोग ही आज, तो पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद रिदांश को लेके आते हैं। तो उसकी बुआ से पूछा तो वो खेल रहा था वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो खेल ले और फिर उसको आराम से हम वहाँ से ले आते हैं। चलिए चाय पीती हूँ फिर मिलती हूँ। तो बस गई 5 बज रहा है और मैं रिदांश को पिक करने आई हूँ, दिनेश पीछे हैं और मैं जा रही हूँ अब उसको ऊपर लेने के लिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो खेल रहा था, मैंने फ़ोन करके कई बार पूछा था कि क्या कर रहा है, तो कह तो रही थी दीदी कि खेल रहा है, खाया पिया भी है सब कुछ, बस बच्चा खाता पीता रहे खेलता रहे और क्या टेंशन है। हम तो 6 बजे रिदांश को ले आए थे, अभी हो रहा है अराउंड 6:45 और मैं करूँगी डिनर की प्रिपरेशन। वैसे तो मैं डिनर आज दोनों टाइम का ही कुक करके गई थी,
बट वही थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। और रिदांश को आप देखो, रिदांश आते ही अपनी स्कूटर पे लगे हुए थे, मैं उसको लेके आई थी तभी मुझे कह रहा था कार में कि स्कूटर चलाएगा, तो मैंने कहा ठीक है घर पे चल के स्कूटर चलाना। तो अभी तक तो यार वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को फीवर आता है या कुछ भी लगता है, तो मेरे को लगाए हुए अराउंड 4-5 आवर्स हो गए और धीरेश को लगाए हुए अराउंड 7-8 आवर्स हो गए। तो अभी तक तो हम दोनों ही एकदम अच्छे हैं, फिट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही, बट स्टिल हम मेडिसिन खाएंगे फॉर सेफर साइड, क्योंकि रिदांश को भी देखना है। और अब मैं चलूँगी अपनी आरती करूँगी और फिर हम लोग डिनर करेंगे, ठीक है। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ रेणुका रेया व्लॉग्स। बाय।